हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स है उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ़ 1 एंड -2 आर टू जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्स क्यूब -4x² -7x+10 फाइंड इट्स थर्ड जीरो। स्टूडेंट्स, ये एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो इसके कितने पॉसिबल जीरोज होंगे? 3। तो 3 जीरोज में से 2 जीरोज दिए हुए हैं, एक जीरो 1 है, एक -2 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो थर्ड जीरो होगा वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट को देखिए और उसके बाद ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। नोट क्या है कि वी नो दैट इफ अल्फा बीटा गामा आर थ्री जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर इज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। कि अगर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो तो उस क्यूबिक पॉलिनॉमियल के कितने पॉसिबल जीरोज होंगे? 3। वो तीनों जो जीरोज हैं उनको हमने कहा कि अल्फा बीटा गामा। देन स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में जीरोज और कॉफिशियंट्स के बीच में रिलेशन पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सम ऑफ जीरोज कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a, वेयर b इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड a इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी क्या है कि जैसे इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल के 3 जीरोज थे तो हमारे क्वेश्चन में इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल के 2 जीरोज दिए हुए हैं, तो हमें थर्ड जीरो फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द थर्ड जीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल, जो गिवन पॉलिनॉमियल है वो क्या है, एक्स क्यूब -4x² -7x+10 बी अल्फा। कि हमने क्या कहा कि जो हमारा गिवन पॉलिनॉमियल है एक्स क्यूब -4x² -7x+10, इसका जो थर्ड जीरो हमने क्या मान लिया, अल्फा। देन स्टूडेंट्स, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये अल्फा प्लस बीटा, देखिए यहां पर क्या होता है, बीटा होता है ना, तो बीटा की जगह पे हमारे पास क्या है, 1 प्लस गामा, और गामा की जगह पे हमारे पास कितना है, -2, शुड बी इज इक्वल टू -b/a, वेयर b इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, -4, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन a, और वेयर a इज क्या है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां पर एक्स क्यूब का जो कॉफिशियंट है वो कितना है, 1 है, तो अपॉन कितना हो जाएगा, 1। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस और माइनस ऑफ -4, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन होगा, कितना हो जाएगा, 4, और 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा 1 में से 2 लेस हुआ तो ये -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4, और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 1 को इज इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4+1, दैट इज 5। तो ओवरऑल अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और अल्फा को हमने क्या एज्यूम किया था कि अल्फा को हमने इसका थर्ड जीरो माना था इस पॉलिनॉमियल का। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल जाए। थैंक यू सो मच।